तालीम नहीं दी जाती परिंदों को, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, वो परवाह नहीं करते जमीन पर गिर जाने की। नमस्कार, मैं श्री और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गुड न्यूज। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें पहुंचाते हैं। ऐसी खबरें जो आम लोगों से जुड़ी हुई हैं, जो आम लोग बहुत सार्थक काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। ऐसी तमाम खबरें हम आपके लिए समेट कर लाते हैं अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए, जिसका नाम है गुड न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को हेमंत सरकार एक नायाब तोहफा देने जा रही है। अब ग्रामीणों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए शहर की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पंचायत स्तर पर सरकारी जेनरिक मेडिकल स्टोर खोलने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जहां ग्रामीणों को इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाएं भी मुहैया कराई जाएंगी, जिसका खर्च राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फंड से किया जाएगा। झारखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी ग्रामीणों को शहर की ओर जाना पड़ता है। देश की बड़ी आबादी गांव में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से बहाल हो सके, सरकार इसकी पहल में है और इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पंचायत स्तर पर सरकारी जेनरिक मेडिकल स्टोर्स खोलने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने औषधि निदेशालय को प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। ग्रामीणों को अब छोटे मोटे मर्ज, बुखार, जुकाम, खांसी, दस्त की दवाओं के लिए भटकना नहीं होगा। पंचायत में खुलने वाले इन जेनरिक स्टोर्स में करीब 100 प्रकार की दवाएं होंगी। खास बात तो ये है कि इन स्टोर्स के संचालन के लिए फार्मासिस्ट की आवश्यकता नहीं होगी, वैसी दवाएं ही रखी जाएंगी जो प्रशिक्षण के बाद पंचायत स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी दे पाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार मरीजों को ये दवाएं बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगी। ऐसी दवाओं की सूची औषधि प्रशासन की ओर से तैयार किया जा रहा है। इन जेनरिक मेडिकल स्टोर्स पर होने वाले खर्च को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फंड से किया जाएगा। औषधि निदेशालय की ओर से मेडिकल स्टोर्स खोलने के प्रस्ताव पर अभियान निदेशक NHM की सहमति भी ली जाएगी। जन औषधि केंद्र के लिए मिलने वाली दवाएं भी पंचायत स्तर पर खुलने वाली इन मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएंगी। इनका संचालन पंचायत प्रतिनिधि करेंगे, साथ ही निरीक्षण समय समय पर सिविल सर्जन और जिला अधिकारी करेंगे। प्रस्ताव के अनुसार इन मेडिकल स्टोर पर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही दवाई ली जा सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। पात्र योजना के तहत अब हजारीबाग के स्कूली बच्चे भी पौष्टिक आहार का लाभ उठा पाएंगे। बच्चों के लिए महारसोई घर तैयार हो रहा है, जिसकी मार्च 2022 तक बन जाने की संभावना है। अक्षय पात्र फाउंडेशन इसकी स्थापना करेगा, जिसमें एक साथ 1,00,000 बच्चों के लिए खाना तैयार होगा और 565 स्कूलों को लाभ मिलेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, हो स्कूल चले हम। महारसोई घर अब हजारीबाग में आकार ले रहा है। भवन बनाने का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है। यहाँ भोजन बनाने का काम अक्षय पात्र फाउंडेशन करेगा।
इस महारसोई घर में एक साथ 565 स्कूलों के 1,00,000 बच्चों के लिए भोजन एक साथ तैयार होगा। रसोई में 16 मशीनें लगेगी, सभी अत्याधुनिक मशीनें लगेगी और वहाँ पर जो भी होगा इसकी यहाँ खाना टेस्ट होकर वहाँ खाना निकल किया जाएगा ताकि बच्चों को कोई तैसे कुछ हो नहीं। और हमारे माननीय महोदय ने जो ये कार्य किया है एक बहुत बड़ी देन है और इसको हम भुला नहीं जा सकता है। भवन मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसे अत्याधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है। खासियत ये है कि भवन में लगने वाली ईंट भी फायर प्रूफ है। अत्याधुनिक मशीन लगेंगे और ये पूरे देश का हाईटेक किचन बनकर सामने आने वाला है। आपको बता दें कि भोजन की गुणवत्ता को लेकर हमेशा ही विवाद होता रहा है। 100 से अधिक शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई भी हुई जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है, लेकिन अब से ये समस्या इस योजना के तहत समाप्त हो जाएगी और बच्चों को भी पौष्टिक आहार मिलेगा। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम, सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल। न्यूज 11 भारत के लिए हजारीबाग से फलक शमीम की रिपोर्ट। लॉकडाउन ने कई लोगों का रोजगार छीन लिया, लेकिन गोला प्रखंड की महिलाओं ने इस लॉकडाउन में भी रोजगार तलाश लिया है। आज सैकड़ों महिलाएं अपना खुद का काम कर रही हैं। व्यापार के लिए इन्हें लोन और प्रशिक्षण JSLPS ने दिया है। देखिए रिपोर्ट। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के, मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, यही चरितार्थ कर दिखाया है गोला प्रखंड के तिरला गांव की रहने वाली रेखा देवी ने। JSLPS परियोजना के तहत प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसके बाद अपने साथ साथ दर्जनों महिलाओं को भी जोड़कर सिलाई सेंटर की शुरुआत कर स्वयं के साथ अन्य महिलाओं को भी रोजगार दे रही है। रेखा ने शुरुआत से ही सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, पर JSLPS परियोजना के प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम से लोन लेकर स्वयं व्यापार शुरू किया और आज गांव की अन्य महिलाओं को जोड़ नया रोजगार देने का कार्य कर रही हैं। पहले अपना घर में सिलाई करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन अब परियोजना से जुड़ के लोन लेके दुकान खोल लिए गोला चौक में। गोला चौक में खुलने के बाद दुकान अच्छा चलने लगा, चलने के साथ हमको अच्छा कमाई भी हो रहा है और बच्चों लोग को पढ़ाने लिखाने में भी हेल्प हो जाता है और पति को भी मदद हो जा रहा है। वहीं संबंध में परियोजना के अध्यक्ष ने कहा कि इच्छुक महिलाओं को व्यापार के लिए ऋण मुहैया कराकर व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। JSLPS के अंतर्गत SBP परियोजना के माध्यम से हम अपने SHG के दीदी लोग को ऋण मुहैया करवा कर उन लोगों के ऋण देने का काम करते हैं और उन लोगों को बिजनेस, जैसे छोटे छोटे उद्यमी व्यापार करना चाहते हैं जैसे सिलाई बिनाई कढ़ाई, उन लोगों को ऋण दिलवा कर हम उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस योजना का लाभ उठाकर गोला प्रखंड के सैकड़ों बेरोजगार महिलाएं अपनी नई व्यापार शुरू कर अपनी आजीविका से जुड़ रही हैं।
हैं सांसे बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। परियोजना महिलाओं को व्यापार की शुरुआत के लिए हर संभव ऋण देगी और महिलाओं को स्वावलंबी के साथ आत्मनिर्भर बना रही है। SLPS के तहत SBP परियोजना के अंतर्गत गांव की जो दीदी है, महिलाएं हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, उन वो रोजगार के माध्यम से आज के डेट में अपने व्यापार करके, व्यापार के माध्यम से वो अपना आय बढ़ा के, और आय बढ़ा के क्या हो रहा है, आत्मनिर्भर खुद बन रही है और पैसा कमा रही और आगे बढ़ रही है और दूसरे को भी रोजगार देने का काम कर रही है। जो कि जो दीदी लोग पहले गांव में घर से नहीं निकलती थी, बाजार आने में डर लगता था, वो आज देखिए मार्केट में आके बैठ के दुकान खोल के बैठी हुई है। सरकारी योजनाओं से अगर महिलाओं को फायदा हो रहा है तो ये एक सार्थक पहल होगी जो महिलाओं को स्वावलंबी के साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए अच्छा संकेत है। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। न्यूज 11 भारत के लिए गोला से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। कहना मुझे बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आते हैं कुछ और कहानियों के साथ। बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम गुड न्यूज में। अब आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जहां कुपोषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन यहां की महिलाओं ने न सिर्फ न्यूट्रिशन गार्डन को स्थापित किया है बल्कि गांव को कुपोषण मुक्त भी कर रही हैं। साथ ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही हैं और जिससे रोजगार की समस्या भी दूर हो रही है। एक रिपोर्ट। उड़ीसा झारखंड राज्य की सीमा पर स्थित झारखंड के नोवा मुंडी और उड़ीसा के काटामाटी इलाके में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसके खिलाफ स्थानीय महिलाएं अपने घर के बाड़ी यानी पिछले हिस्से में न्यूट्रिशन गार्डन या किचन गार्डन स्थापित कर कुपोषण को ही कड़ी चुनौती दे रही हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन की पहल पर ऑर्गेनिक तरीके से विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाने की पहल पिछले 2 साल यानी कोरोना काल से ही चल रही है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि विशुद्ध रूप से जैविक तरीके से घर के आंगन में पत्तेदार हरी सब्जियां मिलने लगी। गार्डन से ही आलू, करेला, फ्रेंच बीन और अन्य सब्जियां उगाने लगी हैं। प्रति परिवारों ने किचन गार्डन प्रति 3 महीने में 10,000 रुपए की कमाई भी की है। इस योजना की रोल मॉडल बनी सियालजोड़ा की महिला लवानोवती कहती हैं कि मैंने 2019 में अपना किचन गार्डन शुरू किया था। पहले हम सिर्फ पखाल भात यानी पानी भात खाते थे,
लेकिन अब गार्डन की वजह से मैं अपनी पसंद के अनुसार लंच या डिनर बना सकती हूँ। मेरे गांव में लगभग सभी ने इसे अपनाया है। किचन गार्डन में भिंडी, बैंगन, मिर्चा, बरबटी, करेला, कुंदरी सब सब्जी हम लोग किचन गार्डन में करते हैं। मेरा बागान से खाने को महीना भर सबसेट होता है और बेच करके 1000-1200-1500 भी, कभी कभी 2000 भी कौन महीना होता है और उसी पैसा सब परिवार भी चलता है। अब यहाँ किचन गार्डन होने से माताओं और शिशुओं को काफी लाभ मिल रहा है। टीएसएफ ने नोवा मुंडी और काटामाटी में 1800 से अधिक घरों के न्यूट्रिशन गार्डनिंग से जोड़ा और 1740 किचन गार्डन बन चुके हैं। आपको बता दें कि साल 2019 और 2021 के बीच 1838 घरों में से प्रत्येक घर से एवरेज आउटपुट 83.47 किलोग्राम प्रति वर्ष पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11, भारत। अब आपको लिए चलते हैं सरायकेला, जहां का एक परिवार सालों से बेकार पड़े पत्थरों को मूर्ति का रूप दे रहा है। ये परिवार फेंके हुए पत्थरों को तराशता है और उसे साकार मूर्ति का रूप देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी इस परिवार ने अपनी कला को जीवित रखा है। एक रिपोर्ट। पत्थर को तराश कर मूर्ति का रूप दे रहा परिवार, फेंके हुए पत्थर से मूर्ति बना रहा परिवार, विपरीत परिस्थितियों में भी परिवार के हाथों का हुनर देखिए। शिवलिंग हनुमान वीर सिद्धोकानो की आकर्षक मूर्ति बना रहा परिवार, बड़े बड़े शहरों में बिक रही ये खूबसूरत मूर्तियाँ। सोचिए फेंके हुए पत्थरों से आकर्षक मूर्तियों को रूप देते इस परिवार के हुनर को क्या कहेंगे। इनके हुनर को देखकर आप शायद यही कहेंगे कि इनके हाथों में मानो विश्वकर्मा स्वयं विराजमान हो। सरायकेला खरसावा जिले के ईचागढ़ प्रखंड के रहने वाले 15 से 20 लोगों का परिवार पत्थर को अपने छोटे छोटे लोहे और हथौड़े से पीट पीट कर शिवलिंग हनुमान वीर सिद्धो कानो और किसी भी आदमी की मूर्ति को जीवंत रूप दे रहे हैं। मजबूरी खर्ची पाखर के लिए फैला से सरकार हमरा बिहार सरकार के समय उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक पक्का भवन इनके लिए निर्माण करवाया था, लेकिन फिर झारखंड सरकार से इन्हें कोई मदद नहीं मिली। विपरीत परिस्थितियों में भी यह परिवार आज इन खूबसूरत मूर्तियों को जीवंत रूप दे रहा है। ये मूर्तियाँ आज बड़े बड़े शहरों में बिक रही है। अलग हुआ था तब बिहार में लालू यादव सरकार था, उस टाइम हम लोग को कुछ फैसिलिटी मिला था, झारखंड सरकार हम लोग ऐसे लॉकडाउन में बहुत मुश्किल से गुजार कर लेते हैं। कोरोना काल में इन मूर्तिकारों की माली हालत दयनीय हो गई थी। जरूरत है ऐसे दुर्लभ प्रतिभावन मूर्तिकारों को सरकारी मदद की, जिससे ये अपनी कला को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित कर सके। न्यूज 11 भारत के लिए बसंत कुमार, सरायकेला की रिपोर्ट। देखा आपने विपरीत परिस्थितियों में किस तरह यह परिवार अपनी कला को जीवित रख रहे हैं। और ऐसी तमाम खबरें हम आप तक लेकर आते हैं और आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी कुछ न कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देश और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। ऐसे तमाम लोग हैं जो देश के विकास के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगले हफ्ते ऐसी कुछ और कहानियों को समेट कर आपके लिए लेकर जरूर हाजिर होंगे। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।